डीडवाना की अगर बात बताएं आपको तो डीडवाना में तालाब में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई है। रविवार को छुट्टी के दिन चारों बच्चे जो हैं तालाब के किनारे खेलने गए थे। खेलने के दौरान ही तालाब में नहाने उतर गए वो, और मिली जानकारी के मुताबिक चारों बच्चे जो हैं तैरना नहीं जानते थे। चारों बच्चे तालाब में डूब गए। चारों बच्चों की शिनाख्त आपको बता दें किराप गाँव के भूपेश लोहार, शिवराज लोहार, साहिल मिरासी और विशाल जाट के रूप में हुई है। बच्चे रविवार की सुबह खेलने गए थे, देर शाम तक जब घर नहीं लौटे तो उनके जो परिजन हैं वो उनकी तलाशी शुरू हुई। बच्चों के चप्पल नदी के किनारे मिले पड़े। सरपंच ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए और नागौर से SDRF की टीम भी बुलाई गई, जिसने रात करीब 1 बजे से लेकर सुबह तक में 2 बच्चों के शव को ढूंढ निकाला। इसके करीब 2 घंटे बाद भी अन्य बच्चों के शव को पानी से निकाल लिया गया। तालाब में SDRF की टीम और गोताखोर ने सर्च ऑपरेशन चलाया और चारों बच्चों के शव को निकाल लिया। इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हो गई है, दुखद घटना है। कल रात्रि के अंदर करीबन 9:20 पर सूचना मिली किराप गांव से कि किराप गांव से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर तालाब है, वहां पर 2 बच्चों को ग्रामीणों ने बोला हमने बाहर निकाल लिया और 2 बच्चे अंदर डूबने की आशंका हो रही है। जिस पर मौके पर पहुंचे, जहाँ पर क्योंकि अंधेरी रात थी, चारों तरफ घनी झाड़ियाँ थी, तालाब के अंदर भी झाड़ियाँ उगी हुई थी। उसके बाद में पुलिस के आला अधिकारी महोदय एडिशन साहब डीडवाना, ADM साहब डीडवाना व अन्य अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। उनके निर्देशानुसार SDRF की टीम नागौर से मौके पर आई, उसके बाद में सिविल डिफेंस की टीम भी आई। सिविल तैराक जो बलदेवा राम जी है वो मौके पर आए, जिन्होंने अपने प्रयासों से 2 बच्चों को तलाई में से बाहर निकाला। जनरेटर व अन्य हेलोजन लाइटों की व्यवस्था ग्रामीणों के सहयोग से करवाई गई। देखिए सर, कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि गांव से 4 बच्चे गायब हैं, तो उनको ढूंढने के लिए सबने मिलकर परिजनों ने प्रयास किया। प्रयास करने पर हमें गांव के तालाब है उधर कुकरणा तालाब, जो कि एक ऐतिहासिक तालाब है, वहाँ पर हमें बच्चों के जाने की सूचना मिली थी। सब लोगों ने वहाँ पर जाके ढूंढा तो 2 बच्चों की लाशें वहाँ पर तैर रही थी और 2 बच्चे मिसिंग थे। तो हमने पुलिस को, प्रशासन को कॉल किया था, कलेक्टर महोदय से आपसे बात हुई थी, सारी टीम वहाँ आई और उन सब के प्रयास से और NDRF की टीम भी देर रात 12:00 बजे तक हमारे वहाँ पर पहुंची और गोताखोर भी आए और सबके ढूंढने से लास्ट में 1:15 बजे हमें 2 बच्चों की और लाशें वहाँ पर बरामद हुई थी। चारों बच्चों को बाहर निकाल लिया गया था। अजमेर के नसीराबाद में के उसके पास रामपुरा गांव में गौ तस्करी का मामला सामने आया है, जहां गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को एक ट्रक में गोवंश भरे होने की सूचना मिली। सूचना पर गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने रामपुरा के पास एक ट्रक को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद गौ तस्कर ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जब ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक से करीब 40 गोवंश बरामद किए गए, जिसके बाद उन्हें मुक्त करवा दिया गया। और वही बांसवाड़ा जिले के सदर थाना इलाके में पत्नी को पति को नसीहत देना भारी पड़ गया। जी हां, देवलिया गांव में नशे में धुत पति को नसीहत देने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मृतक महिला 4 बच्चों की मां भी थी। वहीं आरोपी पति वारदात के बाद मौके से फरार हो गया है और पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटी है। परिजनों के मुताबिक आरोपी पति आए दिन शराब पीकर घर में झगड़ा किया करता था। पत्नी की टोका टोकी से गुस्साए पति ने पत्नी का गला घोंट दिया। घटना की जानकारी मृतक के बच्चों ने पड़ोसियों को दी है और उधर सदर थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 3 टीम भी बना ली। पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को मोर्चरी में रखा दिया गया है और पीहर पक्ष ने पूरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। गांव का नाम है माला बस्ती गिलकिया, इसमें मृतका है गीता वाइफ ऑफ नकमा, जो इसके पति पत्नी के आपस में रात को कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसने गला दबा के उसको कोई 4 बार कुर्सी के दबा के उसकी मृत्यु हो गई, उसको मार दिया गया जिसका शव को लेके हॉस्पिटल। सर आपका नाम और थाना? बोलन पाटीदार सदस्य पुलिस थाना सदर। सर इसमें प्रथम दृष्टिया क्या माना जा रहा है, मर्डर है या आत्महत्या है? हत्या का मामला, मर्डर का मामला, हत्या का मामला।